अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बाबा। ओह, मुझे लगता है मैं गाड़ी को लॉक ही नहीं करके आया। लॉक करके जाता हूँ। ये चॉकलेट्स तो खराब हो रहे हैं कि ऐसा करता हूँ, ना फ्रीजर में रख देता हूँ। आज ये देखो अच्छा लग रहा है। बाप ये देखो अच्छा लग रहा है। हरीम क्या? हाँ, ये अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हरीम आप चलो, मैं ना अभी आती पानी पीती। पानी अभी तो पिया था। वो मुझे प्यास लग रही है ना। को तो पता भी नहीं चला कि बाबा ने यहाँ पर चॉकलेट्स रखी है। सॉरी मैं ही खा लेती हूँ, इसको पता चलेगा। क्या करूँ, अभी खाऊं? नहीं, किसी को पता चल जाएगा। ऐसा करती हूँ, इन्हें दराज में रख देती हूँ ताकि किसी को पता ना चले। अभी खेलने चली जाती हूँ, जब शाम को ये सारे सो जाएंगे तो आराम से बैठ के खाऊंगी। बाबा तो वैसे भी भूल गए होंगे, उन्हें कौन सा पता होना। खुल जा, हम मजे से अमेजिंग। हाँ जी, पानी पी लिया? हाँ हरीम, मैंने पानी तो पी लिया। अच्छा हरीम, मेरी बात सुनो। मैं ना जरा नीचे जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने। ठीक है, थोड़ी देर तक आ जाऊंगी। आपकी मर्जी। अब बाबा आएंगे ना, मैं बाबा को सब बताऊंगी। हेलो जी, कैसे हो आप? ठीक है, क्या कर रही हो? कुछ नहीं। कौन सी गेम है? अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हो? ठीक हो? क्या चल रहा है? गेम खेल रहे थे। हाँ जी, ये मेरी प्रिंसेस क्या कर रही हो? YouTube देख रही हो? अच्छा अच्छा, मैं आप लोगों के लिए बेटा वो चीज लेके आया था, चॉकलेट्स वगैरह, वो ले लिया आप लोगों ने? कौन सी चॉकलेट बाबा? बेटे मैं आया था पहले तो, मैं चॉकलेट्स लाया था, लेकिन मैं गाड़ी नीचे बंद करना भूल गया, इसलिए फ्रिज में रख के चला गया और वहाँ से कॉल आ गई, मैं आगे निकल गया फिर। अच्छा, लेकिन बाबा हमें चॉकलेट का नहीं पता। अच्छा चलो मैं लेके आता हूँ, ठहरो। अरे चॉकलेट कहाँ गई? मैं रख के गया था और बच्चे कह रहे हैं पता ही नहीं इस बारे में। क्यों भाई? बेटे चॉकलेट रखे गया था वहाँ पर मैं, लेकिन वहाँ पर तो नहीं है। यकीन आप लोगों ने खाई होंगी, फिर किसने खाई है बताओ मुझे। नहीं बाबा, हम में से किसी ने नहीं खाई। बेटा भी फिर तो ये गायब हो गई, कहाँ गई है? तो फिर क्या कोई झूठ बोल रहा है आप लोगों में से? सच सच बताओ किसने खाई है? हरीम बाबा, हम सच कह रहे हैं जी बाबा, मैंने खाई नहीं चॉकलेट। बाबा मैं तो बाहर खेल रहा था। बेटे आप बाहर खेल रहे थे, पिता ने भी नहीं खाई, हरीम को भी नहीं पता, मैं खुद रख के गया हूँ फ्रिज में, फ्रीजर में बल्कि। बाबा जी, मैंने आपको कुछ बताना है। बताना है कुछ? बोलो बाबा। वो सारी चॉकलेट बाद ने ली थी। क्या? नहीं बाबा, बाबा झूठ बोल रही है, मैंने कोई चॉकलेट नहीं ली। आप झूठ बोल रही हो या मैं झूठ बोल रही हूँ? अच्छा चलो छोड़ो इसको, देख इसका कोई और हल निकालते हैं, पता करते हैं चॉकलेट कहाँ गई है, कोई कुछ का तरीका करते हैं। बाबा ये भी तो हो सकता है, हरीम ने झूठ बोला, चीजें सारी तो खा सकती है। हाँ बाबा अयान सही कह रहा है, मैंने कोई चॉकलेट नहीं खाई, मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। फिजा कैसी बताओ, हरीम झूठ नहीं बोलती, आपको पता है? आपको पता है ना कि झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं होता, झूठ पकड़ा जाता है। वो बाबा, अगर ऐसी बात है तो फौरन बताओ। वो बाबा बोलो, हरीम सही कह रही है, सारी चॉकलेट्स मैंने ही रखी थी। देखा बाबा, मैं झूठ नहीं बोल रही। अच्छा चलो, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया और जाओ लेके आओ, और कहाँ रखी है लेके आओ। शाबाश बाबा। ये ले बेटे, वो सारी चॉकलेट्स नहीं मिल रही। क्या मतलब?
क्या मतलब कि नहीं मिल रही? बाबा सच्ची में वो मैंने नहीं खाई, मुझे नहीं पता वो कहाँ गई। बेटा उठाई आपने, रखी है आपने, आप कह रहे हो वहाँ आप मौजूद नहीं है, लेकिन आप खा गई होगी फिर, इसका मतलब है? नहीं बाबा, नहीं नहीं। फिर झूठ बोल रही हो। बाबा सच कह रही, मैंने नहीं खाई। क्या करें यार इसका? बाबा देखे, पहले मैं झूठ बोल रही थी, लेकिन अब मैं सच बोल रही हूँ। नहीं जी, आप झूठ बोल रही हो। हरीम, मैं झूठ नहीं बोल रही। तो फिर कहाँ गई बेटे? बाबा मुझे नहीं पता। अयान, फिर लगता है कि आपने ये हरकत की है। नहीं बाबा, मैं तो बाहर गया हुआ था, मैंने आपको बताया और मैंने तुमको देखा भी नहीं। तो फिर किधर गई? बाबा जी, आप कह रहे थे ना मैं सच और झूठ का फैसला कर सकता हूँ, तो करे ना फिर आप। फिर यही करना पड़ेगा, इसी तरह चोर को पकड़ते हैं। ठीक है, इसका हल निकालते हैं। मैं भी लेके आता हूँ जादुई पानी, सारा मामला अभी क्लियर हो जाएगा। जादुई पानी? जी जादुई पानी, अभी आया। अब हमारा क्या होगा? झूठ ही होगा ना। हेलो हरीम, आपने चुप हो जाओ, मैंने झूठ नहीं बोला। लो जी बच्चों, ये मैं ले आया हूँ जादुई पानी, और इसको जो पिएगा, झूठ जिससे बोला होगा, उसका रंग चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? जी बिल्कुल। तो फिर शुरू करते हैं बाबा। जी बेटे, बाद में कर लेना, मुझे प्यास लग गया, पहले मुझे पानी दे दे। अच्छा रीम, ठहर जो, अभी हो जाता फैसला ये। ठीक है, मैं अपनी बेटी को भी पिलाता हूँ, देख ले पहले चोर कौन है, किसने कौन झूठ बोल रहा है। ठीक है, सिर्फ दो मिनट ठहर जो। जी तो बताओ, पहले आप लोगों में से कौन पिएगा पानी? मैं पीऊंगा बाबा, क्योंकि मैंने झूठ नहीं बोला। अच्छा चलो ठीक है, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, अयान ने तो उत्तर नहीं किया क्योंकि इसका रंग चेंज नहीं हुआ। लो भाई फिजा, अब आपकी बारी है, पियो फिजा जल्दी पियो। देखा पापा, मैंने कहा था कि मैंने चॉकलेट नहीं खाई, देखा उसका कलर चेंज नहीं हुआ। वाकई अयान ने पिया तो भी ना हुआ, आपने पिया तो भी नहीं हुआ। मैं कह रही थी कि मैं झूठ नहीं बोल रही। तो इसका मतलब है कि मेरी ही याददाश्त कमजोर हो गई, मैं ही कहीं रख के भूल गया उसको, फ्रिज में ना कहीं और रख दिया होगा मैंने। Amazing. चलो देखते हैं उसको। लो हरीम, आपको प्यास लगी थी पानी, आप पी लो। नहीं बाबा, मुझे प्यास नहीं लगी। नहीं बेटे, ज्यादा देर प्यास को नहीं रोकते। नहीं बाबा, मुझे नहीं पीना। अच्छा बस बस, चलो शाबाश पी लो, सॉरी लेट हो गई, आप कोई बात नहीं, पी लो। हरीम, हरीम, ये क्या? हरीम, आप झूठ बोल रही थी फिर? ये सब क्या है अरीन, कुछ बताएंगी आप? अब मैडम आप बताएंगी ये सब क्या था? वो बाबा, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। जब मैंने देखा तो ये बात है, मैं पानी पीने लगी हूँ, चोरी करी जा रही है। इतनी सारी चॉकलेट, मैंने बाजी की ग्लास से सारी चॉकलेट निकाली। काई मैं खा लेती हूँ, अभी घर पे तो कोई नहीं है। जब बाबा कहेंगे कि किसने खाई है, तो मैं कहूँगी ये बाज ने खाई है, क्योंकि मैंने बाज को देख लिया था। जल्दी से खा लेती हूँ इससे पहले कोई आ जाए। और मैंने सारी चॉकलेट स्टोर में बैठ के खाई, और मुझे पता ही नहीं चला मैं सारी चॉकलेट खा गई। बाबा बस यही कुछ था, सॉरी बाबा। बेटे आपको कहा है सबको, बल्कि कि जब भी कोई चीज आप लोगों को चाहिए हो उसको मांग लिया करते हैं, इस तरह चोरी छुपे इसको यूज नहीं, चीजों को यूज नहीं करते ना। एक तो आप लोगों ने चोरी की, ऊपर से झूठ बोला, पहले आपने भी फिजा ये हरकत की, चीजें निकाली की वहां छुपाई आपने, फिर हरीम आपने ये हरकत की,
कितनी बुरी बात है, झूठ बोलना कोई अच्छी बात होती है। इधर बेटा, आपने इस सारे मामले से कुछ सीखा? क्या बाबा? कि जो काम बड़े करते हैं वही छोटे भी करते हैं, इसीलिए बड़ों को वो काम करने चाहिए कि आप बड़ों को देख के छोटे उसी तरह काम करें। अच्छे काम करोगी तो छोटे भी अच्छे ही काम करेंगे ना। जी बाबा, अब मुझे समझ आ गई है। सॉरी बाबा। सॉरी बाबा। वेलकम, नेक्स्ट टाइम ख्याल रखना इन सब चीजों का, ठीक है? चलो, अच्छी बात है ये कि आप लोगों को समझ आ गई, ठीक है ना? चलो फिर उठो, चलते हैं और नई चॉकलेट लेके आते हैं और सब मिलके खाते हैं, ठीक है? चलो शाबाश, तैयारी कर लो। चले फिर, रुके रुके, लाइक शेयर तो कर ले। चलो आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं, और आप लोगों ने इस कहानी से ये सबक तो जरूर सीखा होगा कि कभी भी झूठ नहीं बोलना जी। और हाँ फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बाय।